क्या अब सवाल ये उठता है, क्या हम लोग अपने जीवन में कभी ये कोशिश करते हैं कि मन वचन और कर्म से एक रूपता चले, यानी जो मन में है वही वचन में जुबान पे आए और जो जुबान पे आए वही से ही हम कर्म करें? कैसा ऐसा करते हैं हम लोग? मुश्किल है ना, क्योंकि मन में कुछ और है। जैसे आपका कोई पड़ोसी है, उससे चलती है कुछ नोकझोंक, लड़ाई, शीत युद्ध, और आप चाहते हो, वो भी चाहता है कि कब ये टें बोले, कब इसका कुछ काम हो, कब इसके जीवन में इसके बाजा बजे, कब इसका दिवालिया निकले। लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको तो अंदर से बहुत क्रोध है, तो आप जाओगे तो क्या बोलोगे, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई? वो बैठा है कहां बैठ, अरे मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मैं हालचाल पूछने आया, दवाई वाई ले रहे हो कि नहीं, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, पैसा वैसा घटेगा तो मुझसे बोलो, हम पैसा देने के लिए तैयार है। नहीं भैया ठीक है, है ना, अरे बड़ी चिंता सता रही थी, कुछ दिनों से तुमको घर से बाहर नहीं देख रहा था ना, इसलिए बड़ा दुख हो रहा था, आया हूं थोड़ा पता करने के लिए कि तुम कैसे हो। देखो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्दी तुम ठीक हो जाओ, है ना। अरे झगड़े तो होते रहते हैं, मन में कोई भेद मत रखना, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है। अंदर तो मन में लग रहा है कब उठेगा ये, कब इसका बाजा बजेगा, आए हैं तो पता करने कि अभी टेम्परेचर इसका कितना है, हम तो ये पता करने आए हैं कि और कितने दिन इसकी दिल की धड़कनें चलने वाली है। हम ये थोड़ी कहने कि भगवान से प्रार्थना, नहीं नहीं, हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हालत तो ये है कि भगवान से प्रार्थना, भगवान जल्दी उठा ले, अरे मेरे को नहीं उसको, है ना। ये क्या है, मन में कुछ और, जुबान पे कुछ और कर कुछ और रहे हैं, इससे जिंदगी में कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं बरसेगा। फिर हम रामायण सुने, गीता सुने, कुछ सुने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अंदर जो है वही जुबान पे आए वही कर्म हो, तो आप देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो हम अब सवाल ये है कि हमारे अंदर क्या है, कैसे है। तो मुझे एक प्रसंग बार बार याद आता है, मैंने आप लोगों को सुनाया भी है, फिर भी सुना देता हूं। यानी हालत कैसी है, वो जैसे एक पंडित जी थे, तो पंडित जी सबको कहते थे, देखो आम के पेड़ के नीचे पैखाना नहीं करना चाहिए, गंदी बात गलत बात नहीं करनी चाहिए। पूरे गांव के लोगों को उन्होंने बार बार कहा, गांव के लोगों ने आम के नीचे करना, आम के नीचे निपटना छोड़ दिया लोगों ने। तो एक दिन उनका जो चेला है वो बड़ा सीधा साधा है, वो कहता है, गुरु जी सभी पेड़ के नीचे सब लोग निपट लेते हैं, आम के पेड़ के नीचे क्यों नहीं निपटा जाए? अरे मूर्ख, अगर सब वहीं निपटेंगे तो मैं कहां निपटूंगा, मैं तो, मुझे भी तो जगह चाहिए ना। यानी हमारी बातें कैसी है, अच्छी तुम मत करो क्योंकि मेरे लिए जगह छोड़ दो, मैं करूंगा वो काम। तो अक्सर यही होता है कि सड़कों पे मैं देखता हूं कि दिन में जब बात की जाती है क्या सड़कों पे शौचालय करना चाहिए, तो हर इंसान कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन सुबह में तो वो रंगीन रंगीन भरे पड़े रहते हैं। करने वाला कौन है, कहां से आया? मुझे कभी कभी लगता है हो सकता है इस धरती के लोग, गांव के लोग तो नहीं करते होंगे, स्वर्ग लोग से कहीं आकर वो लोग निपट लेते होंगे, स्वर्ग लोग में गंदगी नहीं फैलानी है, चलो धरती पे फैला देते हैं, है ना। हंसो जी भर के हंसो, एक नौजवान की तबीयत खराब हो गई थी, नौजवान की तबीयत खराब हो गई, नौजवान जब बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया तो देखा कि बीपी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये बीमार है। तो डॉक्टर साहब बड़े ज्ञानी थे, डॉक्टर साहब कहते हैं, सुनो थोड़ा हंसना सीखो, थोड़ा खुश रहना सीखो। तो वो कहता है, खुश रहने के लिए मैं क्या करूं, अब लोगों को तो पूछना पड़ता है ना, खुश रहने के लिए क्या करूं? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे कुछ गाना वाना सुन लिया करो, रेडियो पे गाने इतने अच्छे अच्छे आते हैं, गाना वाना सुनो, खुश रहा करो, गानों को सुनकर खुश रहोगे, थोड़ा हंस लिया करो।
तो वो कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, आज मैं जाऊंगा और अपने घर पे अब गाना सुनना आज से शुरू कर दूंगा, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब घर पे पहुंचता है नौजवान तो अपनी माँ को कहता है, माँ डॉक्टर साहब ने कहा है रेडियो सुनना और गाना सुनना, अब आज से मैं गाने सुनूंगा और खुश रहूंगा। माँ वो रेडियो कहाँ है? तो माँ कहती है वो कहीं रेडियो रखी गई होगी। तो वो ढूंढता है और निकालता है अपनी रेडियो को, और रेडियो को जब निकालता है तो चलाता है तो कहता है, माँ मैं गाना कैसे सुनूंगा, रेडियो तो चलता ही नहीं है, ये तो चल नहीं रहा है। तो माँ कहती है बेटा चिंता मत करो, क्यों रो रहे हो, थोड़ा साफ वाफ कर लो, देख लो, खोल के देख लो, ठीक ठाक होगा, उसके पुर्जे वर्जे ठीक कर लो, उसके बाद चलाओ, रेडियो चल जाएगा। तो बेचारा साफ करता है और उसके बाद भी रेडियो नहीं चलता है, तब जाकर वो स्क्रू ड्राइवर लाता है और रेडियो खोलता है, और रेडियो को खोलने के बाद देखता है ढक्कन खोलकर, तो देखता है कि उसके अंदर एक चूहा मरा पड़ा हुआ है, देखता है कि रेडियो के अंदर एक चूहा मरा पड़ा है। अब बेचारे उसको तो जीवन में रोने की आदत थी, हर बात में रोता था, कहता था माँ अब मैं कैसे गाना सुनूंगा। माँ कहती है रसोई घर में कि बेटा अब क्या हो गया, माँ मैं गाना कैसे सुनूंगा, गायक तो मर गया, गायक तो अब है ही नहीं। तो वही हालत हो रही है, रोने का बहाना बहुत मिलेंगे, हंसने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। जोर से हाथ ऊपर, एक मुकदमा चला, एक बार एक कोर्ट में मुकदमा गया, मुकदमे की शिकायत ये थी कि बस ने शिकायत की थी ट्रक से कि बस को ठोकर, खड़ी बस को ठोकर ट्रक ने मार दी थी। ये मुकदमा चला, जज साहब ने बुलाया ट्रक को और कहते हैं जज साहब तुमने खड़ी बस में ठोकर क्यों मारी, और बस की शिकायत है इसलिए तुम्हारे ऊपर हर्जाना लगेगा। तो ट्रक कहता है हुजूर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने तो वही किया जो बस ने चाहा था, मैंने तो वही किया जो बस ने चाहा था। तो जज साहब पूछते हैं बस क्या चाहती थी, बस जो चाहती थी वो थोड़ी चाहती थी कि तुम आओ और पीछे से ठोकर मार दो खड़ी बस में और उसको चकनाचूर कर दो। तो वो कहता है ट्रक की हुजूर बस की ख्वाहिश बस के ऊपर लिखी गई थी, और जो मेरी ख्वाहिश थी वो भी मेरे ऊपर लिखी गई थी, मैं क्या करूं, मैं तो बस की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। तो जज साहब पूछते हैं बस की ख्वाहिश क्या थी, बस की ख्वाहिश क्या थी। तो बस की ख्वाहिश लिखी गई थी, जज साहब ने चेकअप कराया तो पता चला कि बस की ख्वाहिश लिखी गई थी सावन को आने दो, बसों के ऊपर नाम लिखते हैं ना सावन को आने दो, तो बस की ख्वाहिश थी सावन को आने दो। और ट्रक कहता है मैं तो उसकी मुराद पूरी कर रहा था क्योंकि मेरा नाम है सावन आया झूम कर, तो मैं तो झूम के आ गया था,